अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन कॉन्वर्सेशन विद हाजरा सीजन 3 एपिसोड 1। इतना अरसा थोड़ी सी ब्रेक लेनी पड़ी इसलिए क्योंकि आप लोगों के लिए भी ब्रेक जरूरी है और हमारे लिए भी, और खास मौके का इंतजार था मुझे, और वो कहते हैं ना वो मौका ही क्या। मेरे आज के मेहमान बहुत ही खास हैं, उनका पॉलिटिकल करियर बहुत ही वेल अकॉम्प्लिश्ड है, पाकिस्तान के जाने माने सियासतदान हैं, बहुत ज्यादा फॉलोइंग है, और अभी उन्होंने एक नया पॉलिटिकल टर्न और डिसीजन लिया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ द वन एंड ओनली शाह महमूद कुरैशी साहब, वाइस चेयरपर्सन ऑफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, इन कॉन्वर्सेशन विद हाजरा राइट नाउ। लेट्स वेलकम द मैन हिमसेल्फ। थैंक यू फॉर हैविंग मी। दैट्स ग्रेट, इट्स प्लेजर। आई नो आपकी स्केड्यूल इतनी टाइट थी, सो हाउ डज इट फील विद द न्यू टाइटल वाइस चेयरपर्सन ऑफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ? बहुत बहुत सी जिम्मेदारियां, अ ग्रेट चैलेंज, या बट tremendous opportunities as well to build a truly vibrant people's party. Truly. So, any changes within yourself during this transition as a politician? मैं समझता हूँ कि एहसास से जिम्मेदारी बढ़ गया है और कुछ प्रेशर भी बढ़ गया। Pressure from people or from those around you? काम का। काम का? So you're working a lot more harder now. एक्सपेक्टेशन बहुत है, तवक्कुआत बहुत है। किन से है ज्यादा? Who do you feel like most under pressure? मैं समझता हूँ लोगों से है, जमात से है, कारकुनों से है। लोग समझते हैं कि मैं आया हूँ और मेरा कुछ सियासी तजर्बा है, तो सियासी तजर्बे को बरोए कार लाते हुए एक जमात को जिसके पास वक्त महदूद है और इंतखाबात की आमद आमद है, तो उसकी हुकूमत ठहरती हुई दिखाई नहीं दे रही। हुकूमत की जो कारकर्दगी है, हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है, वो इतनी मायूस कन है। और फिर उनके जो बयानात हैं, उन्होंने तो एक तूफान खड़ा कर दिया है। लोग समझते हैं कि किसी वक्त कुछ हो सकता है, तो क्या हम हैसियत एक जमात के आने वाले दिनों के लिए तैयार हैं कि नहीं? और मैं समझता हूँ कि तैयारी की बहुत ज़रूरत है। टीवी देखते हैं जब मौका मिलता है? अपने जो जितने कलीग्स हैं, पार्टीज वगैरह जो आपके मुखालिफ हैं या परपेट्रेटर्स सो टू स्पीक, उनके बयानात कभी सुन के किस तरह आपको आजकल फील हो रहा है कि डू यू फील दे ओवर रिएक्टिंग टू योर डिसीजंस? मैं समझता हूँ कि आई हैव बीन इन पॉलिटिक्स फॉर लॉन्ग एनफ टू यू नो टेक एवरीथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, और आदी हूँ। मतलब है कि थिक स्किन हो गए? नहीं, थिक स्किन तो नहीं कह सकता, पर ये आप कह सकती हैं कि इस किस्म की जो बौछाड़ है, इस किस्म के जो तंदो तेज हमले हैं, वो देखे हुए हैं। So it's okay, you're above that and it doesn't matter anymore what they're doing? Not really. देखिए, सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि आपका अंदर मुतमईन है। अगर आपका अंदर मुतमईन है, जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा है, कि आपने जो फैसला किया है उस पर ज़ाती लालच नहीं है, कोई ज़ाती मफाद नहीं है, और आपने किन मकासद के लिए किया है, अगर वो दुरुस्त है, करवा दें। ये टर्निंग पॉइंट कब आया? आई मीन, वी हैव सीन यू व्हेन यू रिजाइन एज़ अ फॉरेन मिनिस्टर रूलिंग पार्टी के साथ। टर्निंग पॉइंट तो कुछ अरसे से चल रहा था, बहुत से इश्यूज थे जिससे कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अपना था। और सच्ची बात है, पहला सबसे बड़ा धक्का तो लगा 27 दिसंबर को जी, जब मोहतरमा की शहादत हुई, क्योंकि मैं तो उनकी टीम का हिस्सा था ना। मुझ पर उनने बेपनाह एतमाद किया था, मुझे पंजाब का सदर बनाया था, मुझे जिम्मेदारियाँ दी थी, और पिछले कुछ अरसे में उनके बहुत करीब भी हो गया था। तो पहला धक्का तो लगा जब वो अचानक सीन से गायब हो गई, और जो एक खाका जहन में बना रखा था, जो तस्वर था, वो चिकना चूर हो गया। उसके बाद कोशिश की, जो उनके जानशीन ठहरे, उनसे गुजारा किया जाए, और ईमानदारी से गुजारा करने की कोशिश की, और नेक नीयति से चलने की कोशिश की, और हमेशा नेक नीयति से उनको मशवरे दिए। ये और बात है कि उन्होंने उनको अहमियत दी हो या ना दी हो। आपको कैसे, व्हेन लुकिंग बैक, हाउ डू यू फील? एनी रिग्रेट्स? कोई कभी कभी होता है कोई रिग्रेट कि नहीं? मैं समझता हूँ कि मैंने दयानंदारी से काम किया, और जो महसूस किया वो कहा। इंटेग्रिटी और डिग्निटी बहुत किया आपने, अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ छुपाया नहीं। बिल्कुल। और जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, आप उनसे इंटरेक्ट करते रहते हैं, मीडिया से आजकल कुछ नहीं छुपता। आप देखें कि मुझे सब ने इज्जत दी, फॉरन ऑफिस में मुझे इज्जत दी गई, जो और हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके साथ मैंने काम किया, और इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक कोर में भी आप देखें, जो वज़रा खारजा थे,
I developed some very good rapport, some very good relationships with foreign ministers, and enjoyed their company. Learned a lot. मुझे उन तकरीबन तीन सालों में दुनिया में जाने का लोगों से मिलने का एंड द टॉप द एलीट द क्रीम द इंटेलेक्चुअल क्रीम से इंटरेक्ट करने का मौका मिला तो उससे बहुत कुछ मैंने हासिल किया बहुत कुछ सीखा and it was a great learning experience of course it is and jis tarah aap keh rahe hain coming from that as a foreign minister you know the slick you know well suited and well spoken wahan se jab wapas awam mein jaate hain going to the grassroots level uske kya how does that excite you how does that entice you once again well I've been a political person from day one main koi technocrat ya bureaucrat to tha nahi ki jo main ya diplomat to tha nahi ki main डिप्लोमैट था मैं फॉरन ऑफिस में आ गया नहीं मैं तो आई वॉज अ पोलिटिकल एनिमल और मैंने ग्रास रूट लेवल से सियासत का आगाज़ किया बल्दियाती लेवल से सियासत का आगाज़ किया मैं बल्दियाती सतह पर रहा फिर मैं सूबाई सतह पर रहा फिर मैं मरकजी सतह पर आया सो आई हैव क्लाइम द लैडर जिसे कहते हैं मैं ऊपर से नहीं आया यू नो मैं नीचे से मैंने ग्रो किया है तो वो सियासी जो है कशमकश वो सियासी जो है जो बदलते मौसम उनसे आदि But it is satisfying going back to your people once starting all over again with them. Absolutely, it's I love interacting with people. I enjoy being with people. और सच्ची बात है हमारा इसको कहते हैं ना कड़ा हुआ तबका एक तो है ना पढ़ा हुआ एक है कड़ा हुआ तबका कई दफा वो इतनी मानी खेज बातें करते हैं उनकी बातों में इतना वजन होता है इतनी विजडम होती है कि आप आपके 14 तलक रोशन हो जाते हैं That's very well said. On this note, we're going to take a short break. In conversation with Shah Saab, we'll continue after these messages. Welcome back after the short break. In conversation with Shah Mehmood Qureshi Saab, Vice Chairperson of Pakistan Tehreek-e-Insaf now. So, how important is it to be working with somebody you admire now and that you look up to? Well, I've had the opportunity of working with Mohtarma. Unki bhi ek charismatic personality thi. And now I'm working with Imran. Imran bhi ek international, you know, ek star, you know, ek celebrity, aur ek naam, aur you know, international exposure. So, dono I feel ke dono mein bada aitmaad, dono mein ek jise kehte hain na ek. एक उनकी अपनी पर्सनालिटीज मौजूद हैं सिमिलैरिटीज नजर आती हैं आपको दोनों में एज लीडर्स हाँ क्लैरिटी है इमरान में क्लैरिटी है बहुत जल्दी चीजों को पिक करते हैं और मोहतरमा भी शी टू गेट टू द बॉटम ऑफ थिंग्स वेरी क्विकली और सिमिलर बैकग्राउंड ऑफ एजुकेशन वो भी ऑक्सफोर्ड में गई ये भी ऑक्सफोर्ड में पढ़े तो मिलता जुलता एक्सपोजर है दोनों का आपका भी काफी मिलता जुलता है आप भी एजिसोनियन हैं और खान साहब भी एजिसोनियन हैं जी मैं इसर में था वो पीसर में थे मुझसे सीनियर थे और फिर वो ऑक्सफोर्ड में थे मैं कैम्ब्रिज में था वो ऑक्सफोर्ड कनेक्शन भी है वेरी नाइस सो हाउ हैव यू एडमायर्ड हिम बिफोर कमिंग टू पीटीआई जो आपकी पॉलिटिकल थी एज अ पर्सन हाउ इंपॉर्टेंट एक As a Pakistani जिसने पाकिस्तान के झंडे को पाकिस्तान के नाम को उजागर किया यू नो एक फील गुड फैक्टर पैदा किया लोगों में देखे ना जी जब आप खेलते थे यू नो मैच जीतते थे तो लोगों को एक सेंस ऑफ यू नो एक अचीवमेंट मिलती थी यू नो वर्ल्ड कप जब उठाया तो पूरी कौम खड़ी हो गई ना लोगों में एक इतना एक जज्बा पैदा हुआ फिर जिस तरह उन्होंने शौकत खानम हॉस्पिटल में जो एक मिशनरी स्पिरिट के साथ काम किया और मैंने उनके साथ काम किया जब 91 में वो मुल्तान तशरीफ लाए वी वेंट टू डिफरेंट स्कूल्स फॉर फंड रेजिंग फॉर द हॉस्पिटल मुझे याद है जब ये आइडिया कंसीव किया जा रहा था अभी ग्राउंड था अभी कुछ खड़ा नहीं हुआ था वहाँ तो उस जिस डेडिकेशन के साथ उन्होंने एक चीज़ को कि बिल्कुल हवा में दिखाई दे रही थी जब उनको खड़ा किया तो उसमें जो एक कंसिस्टेंसी और परसिवियरेंस का जो एक आंसर है उसने खासा इम्प्रेस किया अच्छा आज जो माहौल मुझे फील हो रहा है पूरे मुल्क में है एक तरह से एज इफ देयर इज अ वर्ल्ड कप और अ मैच टुमारो जो आपका जलसा कल
25 दिसंबर को मज़ार कायद पे इंशाल्लाह होगा। हाउ आर यू फीलिंग? क्या एड्रेनलिन रश? मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी फीलिंग हो रही है। क्यों? मैंने दो जब से कराची में आया हूँ तो दो पब्लिक इंटरेक्शंस हुए। एक यूथ के साथ हुआ, हम IBA गए और IBA में सब स्टूडेंट्स थे और फैकल्टी थी। तो उनकी जो मैंने वहाँ इंथुजियाज़म देखा, जो उनके सवालात देखे और जो उनका रिस्पॉन्स देखा, उससे बेपनाह जिसे कहते हैं ना वन फिट एक्साइटेड और एक बड़ा उस पर मज़ा आया। और दूसरा मैंने देखा कल रात जो एक सिविल सोसाइटी का एक फंक्शन था जिसमें यू नो कराची की सिविल सोसाइटी के मुख्तलिफ तबकों से बहुत सी ख़वातीनों हज़रात तशरीफ़ लाए थे और उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिला और मैंने इनको कहा कि क्यों उनको जलसे में आना चाहिए। सो आई रीज़न्ड विद देम कि आप जो जलसों से कतराते हैं, जलसों से दूर रहते हैं, डरते हैं, घबराते हैं, उनको क्यों आना चाहिए। I gave them reasons. So it was an interesting interaction. Security, I think, is a very big factor play karti hai people to come out nowadays. But it seems ke people are willing to risk that. आप देखिए लाहौर में जिस तरह लोग निकले जी, उसके अलावा हमने अभी कई जलसे किए हैं। हमने अभी अटक में जलसा किया, उससे पहले हमने कसूर, उसके बाद कसूर में किया, उससे पहले हमने वहाँ किया, खानपुर में किया, हमने हजारा में किया। तो जितने जलसे हुए सिक्योरिटी इश्यूज तो हर जगह है, खैबर पख्तूनख्वा में तो ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद लोग आए और एक गाला था, एक जिसे कहते हैं ना एक मेले का समा था, लोगों में एंथुजियाज्म था, लोगों में जोश और जज्बा था। जो जोश और जज्बा मैं आज PTI में देख रहा हूँ, कारकुनों में, लोगों में, सिविल सोसाइटी में, आम शहरियों में, ये वही दिखाई दे रहा है जो एक ज़माने में 70 की दहाई में पीपल्स पार्टी में दिखाई दिया करता था, जो आज दिखाई नहीं देता। मायूसी होती है देखिए पीपल्स पार्टी तो एक जस्ट एज अ डेमोक्रेट, हां, देखिए बहुत बड़ी पार्टी, एक फेडरल पार्टी और चारों सूबों में उसकी पसीर आई और जुल्फिकार अली भुट्टो का एक फलसफा और इतनी कुर्बानियां भी और कुर्बानियां बेशक कुर्बानियां कारकुनों की भी और क्यादत की भी और फिर मोहतरमा की क्यादत, उनका कैरिश्मा, उनकी जद्दोजहद, उनकी डायनेमिक लीडरशिप, उसके बाद जिन हाथों में आ गई जो जरदारी साहब ने किया जमात के साथ और जो गिलानी साहब ने किया हुकूमत के साथ, आम शहरियों के साथ, यकीन जाने ताज्जुब भी होता है, अफसोस भी होता है। आई कैन ओनली इमेजिन विद ऑल दिस गोइंग ऑन, जो पॉलिटिकल आजकल एक चल रहा है मिस्ट्री, we're not sure about the president's health, we're not sure about his mental health, his capabilities, his intentions. How do you feel about that? I wish him well. Khuda usko sehatyab kare, kyunki mujhe ehsaas hai ki wo bimar hai aur genuinely bimar hai. Do you mean mentally or just physically? Dekhiye jo kaha ja raha hai, jo sunne mein aa raha hai, jo sunne mein aa raha hai wo hai bipolar disorder. Yes, which is a very serious disorder. अगर ये हकीकत है तो ये बहुत serious एक symptom है. It's a very serious disorder. It's a very serious disorder. बहुत ही serious बीमारी है. जी, अब अल्लाह करे उनको अल्लाह सेहत दे और लोगों को सही बताएं, लोगों को बता नहीं रहे. आप देखिए कितने बयान बदले गए, कितनी पोजिशन चेंज की गई. सो आई विश हिम वेल, क्योंकि उनकी ज़रूरत है, उनके बच्चों को उनकी ज़रूरत है. वो वालदा के साये से महरूम हुए हैं तो बाप के साये की उनको यकीनन ज़रूरत है. और इकलौते बेटे हैं, इकलौते भाई हैं, तो अल्लाह उनको सेहतमंद रखे. आमीन. अच्छा ये बताएं कि प्रेशर इज मोर ऑन द गवर्नमेंट एंड द मीडिया दैट इज वॉचिंग यू और पीपल विद इन द PTI फॉर टुमारो? PTI से सच्ची बात है जो मुझे रिस्पॉन्स मिला है हैज बीन फिनोमिनल. It is, yes. Unbelievable. देखिए जब कोई नया आता है तो बहुत से लोगों के मुख्तलिफ तासुरात होते हैं, लोगों के शकूक व शुभात भी होते हैं, ठीक है ना जी, कहाँ से टपक पड़े, यू नो, कहाँ से और क्यों आ गए और क्या मकाम मिल गया, इन्होंने तो पहले भी पार्टी चेंज की है, ये तो सब कुछ के बावजूद जो मुझे रिस्पॉन्स मिला है कोर कमेटी से, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव से, तंजीमों से और कारकुनों से, has been very encouraging. लोगों ने जिस मोहब्बत से मुझे वेलकम किया और मुझे कबूल किया है,
वो मेरी तवक्को से कहीं ज्यादा है. एंड यू एज अ पर्सन और यू एज अ पॉलिटिशियन, आर यू मोर हैप्पियर विद दिस डिसीजन टू जॉइन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ? अल्टीमेटली है इनर सेटिस्फैक्शन. एब्सोल्युटली. जब तक आपका अंदर मुतमईन ना हो, आप काम कर रहे हो. देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आर यू एंजॉयिंग डूइंग व्हाट यू डूइंग? अगर आप एंजॉय कर रहे हो ना, तो आप थकते नहीं है. अब मैं 18 बेजार नहीं होते. हाँ. बेजार नहीं होते. आप में हौसला होता है, आप में तनकीद सुनने के भाई आप में सलाहियत और मादा होता है. आप चिड़चिड़े नहीं होते, ठीक है ना? आप लोगों की बात को मुस्करा देते हैं, टाल देते हैं, यू नो. और आप यू आर अ प्लेजेंट पर्सन टू इंटरेक्ट विद, व्हिच इज व्हाट अ लीडर इज रिक्वायर्ड टू बी एट दिस टाइम. शुड बी. यस. और अगर आप अंदर से मुतमईन ना हो, तो आपको छोटी सी बात भी चुभना शुरू कर देती है. अब हर बात को शक की निगाह से देखते हैं और वो फिर रिलेशनशिप्स को मुतासर करती है. तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो फैसला किया, मैंने उजरत पे नहीं किया, मैंने सोच के. आपको जरूरत ही नहीं थी? मुझे जरूरत नहीं थी. आई डिडंट नीड इट. ऑनेस्टली आई डिडंट नीड इट. और मैंने सोच के किया, और इसलिए किया कि क्या मैं अपनी ज़ात को सामने रख के कर रहा हूँ या मैं किसी बड़े मकसद के लिए कर रहा हूँ. जब मेरा अंदर मुतमईन हुआ कि मैं बड़े मकसद के लिए कर रहा हूँ, तो उसने मुझे बेपनाह सुकून दिया है, ज़हनी सुकून दिया है, जो कि बहुत ज़रूरी है. यकीनन. वेल, ऑन दैट नोट, टॉकिंग अबाउट सैटिस्फैक्शन एंड बीइंग अ बेटर पर्सन, वी आर गोइंग टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक राइट आफ्टर दीज मैसेजेस विद द वन एंड ओनली शाह महमूद कुरैशी साहब. Welcome back after the short break in conversation with Shah Mehmood Qureshi Saab, Vice Chairperson of Pakistan Tehreek-e-Insaf now. I love the title. I think everybody is loving the title. Really? What's so special about it? I think integrity, right time and right place. Thank and you. Right reasons. Thank you. That's a great compliment. Ajay Shah Saab, ek cheez main, as coming from a feudal family, aur jo aapki following hai, and mashallah, you are considered and followed throughout, not just in your region but subcontinent. And uske baad being a foreign minister and very slick and educated abroad, kabhi koi conflict aata hai or they can actually work together very well? The feudal instinct versus the western veneers. Dekhiye, jo feudalism hai na, wo mindset hai. Ji. Agar aapka zehen feudal hai na, to chahe aap tie laga le, suit pehen le, आपकी सोच नहीं बदलती, कभी नहीं बदलेगी, नहीं बदलती. कि ज़हनियत से क्या ताल्लुक है. और अगर आपका ज़हन फ्यूडल नहीं है, तो आप शलवार कमीज में भी उतने ही यू नो कंफर्टेबल हो सकते हैं, उतने मॉडरेट हो सकते हैं, उतने लिबरल हो सकते हैं, उतने प्रोग्रेसिव हो सकते हैं. बिल्कुल. तो सारी बात है तालीम. बुनियादी चीज़ मैं समझता हूँ मेरे वालदैन ने मुझ पर जो सबसे बड़ा करम किया वो तालीम का था. आई कंसिडर माई सेल्फ फॉर्चुनेट दैट गॉड गेव मी द अपॉर्चुनिटी by accident of birth that I went to the best institutions. Yes. You know, in the country and outside the country. You know, it is an ek nami grami institution. Uske baad jab main bahar gaya to Cambridge is one of the best universities in the world. To usse jo aapko ek exposure milta hai aur aapko jo aapki grooming hoti hai, that changes your approach, that changes your outlook. और आप देखें, जब भी थोड़ा सा कुछ पड़ जाएगा, उसकी अप्रोच पे एक तब्दीली आएगी, तो वो अपने आप को अडेप्ट कर जाता है. यू आर मोर अडेप्टेबल, यू आर मोर फ्लेक्सिबल, यू नो, यू आर मोर टॉलरेंट. ठीक है ना? फ्यूडलिज्म की सबसे बड़ी कबाहत है, वो समझता है कि मैं जो हूँ दुरुस्त हूँ, और आपने जो कुछ कहा और अगर वो मुझसे मेरी सोच के बरक्स है, तो फिर क्या आपको आपको जरूरत कैसे हुई और आपने कैसे सोचा इस तरह. तो वो एक हाँ, वो एक ज़हनियत है. तो जब आप उस ज़हनियत से आज़ाद हो जाते हैं ना, तो फिर आपका अडेप्ट करना, एडजस्ट करना मुश्किल नहीं होता. You are okay with it? I am, absolutely. I am comfortable with all classes, all walks of life. And my temperament, वैसे भी मैं मिजाजन ज़रा धीमा हूँ, और मिजाजन में जैसे कहते हैं ना, एक कंसेंसस बिल्डर हूँ. यू नो, आई डू नॉट, माई टेम्परमेंट लाइक टू थ्रस्ट माई व्यूज ऑन अदर्स. यू नो, आई लाइक टू इवॉल्व अ सिचुएशन. जैसे आपने कहा, रीजन विद पीपल, रीजन विद पीपल, एब्सोल्युटली. तो उससे
आपका कंफर्टेबल बढ़ जाता है। अच्छा, आज जैसे कि आप हम सब जानते हैं, आज अनाउंसमेंट जब हुई थी कि जावेद हाशमी साहब इज आल्सो जॉइन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, हाउ डू यू फील अबाउट दैट? ये इज अ पॉलिटिकल वर्कर, उनका एक तवील एंड अ वेरी वेल रिस्पेक्टेड वन जी, एक तवील सियासी सफर है। हम हरीफ रहे हैं, 2008 का इंतखाब हमने आपस में लड़ा, 2002 का इंतखाब हमने आपस में लड़ा, मेरे मद्दे मुकाबिल थे, लेकिन मैंने उनको आज खुले दिल से खुशामदीद कहा है। इसलिए कहा है कि वो एक मकसद के लिए आ रहे हैं, और अगर उस मकसद के लिए आ रहे हैं जो अगर एक मकसद है, तो फिर मुझे अपने आप से ज़रा ऊंचा सोचना है, अपने आप से बालादर होकर सोचना है। तो मैंने उनके साथ भी बैठा, उन्हें खुशामदीद भी कहा, और इंशाल्लाह उनके साथ चलने के लिए तैयार भी हूँ। And like I said, tomorrow is a new day and it's a new beginning. Inshallah. What do you look forward to most of all? From tomorrow, what are your expectations? मैं समझता हूँ कि कल की मेरी तवक्को है कि हम लोगों में एक नई उम्मीद जिंदा करने में कामयाब हो जाए। कौम मायूस है, लोग परेशान हैं, हमें लोगों को में उम्मीद डालनी है। वी हैव टू इंस्पायर दम, वी हैव टू टेल दम कि नहीं, इस मुल्क में आज भी अच्छे लोग मौजूद हैं, अक्सरियत पाकिस्तानी अच्छे लोगों की है, आज जो खामोश रहे हैं काफी अच्छे। हाँ, आज भी इस मुल्क में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, आज भी हमारे पास वसाइल है, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल है, उसके बावजूद ना गैस है ना बिजली है ना कुछ, वो ठीक किया जा सकता है। एग्जैक्टली, ये मिसमैनेज चीजें हैं। हम अगर सही क़यादत का चुनाव कर लें तो ये सब चीज़ें दुरुस्त की जा सकती हैं। बड़े और मेरा अपना तजिया है कि एक दहाई के अंदर आप पाकिस्तान की शक्ल तब्दील कर सकते हैं, एक दहाई के अंदर, प्रोवाइडेड आपके पास कंसिस्टेंसी हो, आपके पास प्रोग्राम हो, और आपके पास दयानतदार क़यादत हो। नियत बिल्कुल, नियत का बड़ा दखल है। So, all the best for tomorrow. Thank you. And every other day that follows after that, wish you all the best. Looking forward to tomorrow. Thank I'm you. Excited just like everybody else. It's like a big match happening tomorrow. Inshallah. Which I'm sure you can see. Inshallah. Inshallah. We are entering the arena. You certainly are. All mentally prepared for the big match. And inshallah, we'll win the match. And it's amazing that you walk into a game in an arena, you're playing, but you've already won. Inshallah. Inshallah. All the best, sir. And thank you so much and for this wonderful conversation. Thank you. Well, that's all for tonight. Thank you all for watching. See you again next time. Same place, same channel. Till then, Allah Hafiz. Apna bahut khayal rakhiyega.